कहते रौनक भाई, जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। इसी में बबुआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ, अगर आपकी घड़ी में टेढ़ा बज गए हैं। अच्छा, 1:30। अच्छा, तो किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी किए, कौन सा टाइम? ये टाइम है नई घड़ी लेने का। पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल चड्ढा क्या करूं? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या? सपने बैंक का यही तो बुलाई नहीं कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले ले ले, आया समझ में? आया समझ में? दिमाग नहीं, एक सेकंड। पापा ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बगैरत ना, मैं फेंक रहा हूँ। अरे हर रोज मक्खन की टिक्किया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंक दिया मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी, मुझे तमीज से बात कर। बाप है मेरा, चट्टे मुंह के भी बनाए हमने। हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख, ये देख, पापा गंदी बात बोल रहे। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा खस दूंगा इसके। इधर इधर मेरे पास, इधर गाली दे रहा है। ताजमहल कितने है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने? कहाँ है? आगरा में। आगरा में? और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में जा करो, पता लगेगा। क्या कर दूं मैं बेटे? एक मिनट में जोड़ लिया, मार दिया बेटे बाप। रो मत, रो मत दोस्त, मैं तेरा और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे? दोनों दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। काम करेगा अपने बाप को? यार तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे वो सुंदर लाल चड्ढा, तू अरे गंडा। ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रही हूँ। मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छर जानी की मच्छर काटते मुझे क्या सिखा रहा है? मच्छर जानी में दो तीन मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छी सोचिए। डंकी लगा है। हेलो भैया, प्रणाम। ना कुछ लो, दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है कौन उसका? तो सफेद धागा रखे समय जैसे फटे तुरंत सिल ले। घरेलू नुस्खा, एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। एक सेकंड, हाँ लेडीज। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा, हेलो, मेरे को भी इतना मारूंगा ना, फिर भी सारे बाल झड़ गए। अच्छा, एक सेकंड, आप मुंडन कटवा ले। हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। बच्चा है, क्या हुआ तुम्हारे? भैया, हाँ जी, मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया? तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे नीचे। कहिए तुम्हारी है अंकल, बाप मेरी बच्ची नहीं, क्या आपको कोई समस्या? माइट बन नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाई ने आपको दर्द पता क्या करूँ? हाथ में दर्द है तो काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं देखिए, पैर का दर्द इतना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। नुस्खा है ठीक, 150 सालों से 152 हमारी कोई शाखा नहीं है। भाई मोहित ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई आज का जमाना ऐसा है कि अगर आप फोकट में ज्ञान बांटोगे ना तो कोई भी इंसान उसे लेने के लिए राजी नहीं होगा। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनिए।
हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बोलो यार, एक काम था। बोलो। नहीं, मेरा खुद का काम है, मैं सोच रहा हूँ उसको कर लूँ फिर आपसे बात की। चलो ठीक है, अब लग गए तो बात कर ही लेता हूँ। सॉरी। देखो, जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतना लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कब गोल गप्पे 10-3 हो गए। है कि नहीं? असली असली, अब ऐसे लग रहे फुर्सत में है ना, तो वो एक काम कर लूँ मैं जो था। बिजी हो लगता है, पैसे कमाने हैं ना। आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने का कौन देता है आपको मालूम है? तुझे आगे बढ़ने का असली आशीर्वाद तो कंडक्टर देता है। कंडक्टर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बता, गलत बोला क्या मैंने? अच्छा सुन सुन, एक बात बता, तेरे घर में टॉयलेट बना है? ओहो, यार मेरे घर में तो दाल चावल बना है। हम लोग तो दाल चावल खाते हैं, आप लोग मतलब ची। एक आखिरी चीज में बता दूं, मेरे को मालूम है तेरे पास टाइम बहुत है पर मेरे पास नहीं है। मेरे बाप बंद कर भाई। नहीं, एक मिनट बस, मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड, एक आखिरी। जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। रावण? हाँ। कौन था रावण? तुमको पता, महाभारत में था। महाभारत? ओ, आलिया भट्ट महाभारत में नहीं था? इतना लग रहा है, सॉरी। ओए पटाखा गुड़ी सुन तो। हाँ। जो रावण था, हाँ, उसे अपनी गलतियों का एहसास था। अच्छा, लेकिन फिर भी उसने माफी नहीं मांगी, पता है क्यों? क्यों? अरे अगर मांगता भी तो किस मुंह से माफी मांगता? मैंने ना एक दुकान खोली है, नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्यों होती है? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार कुंकू। हाँ, वो ले आओ। लौट के पेशेंट लिया। अरे अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्टली। एक पेशेंट आ गया, एक मिनट। अरे यार सर, कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खंबा है ना? खंबा है वो, देखा आपने? हाँ मैंने देखा है पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा, बैठी मैं पट्टी करी थी। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से बीपी बुलाते हैं। बीपी भूपिंदर पाल। अच्छा, मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। बीपी आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता, अभी थोड़ा ही बनाना। छोटा बनाना नहीं तो पागल हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं। बनानी समाज से ये विकृति हमें हटानी है। बीपी भाई जी, आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैक। 6 पैक यानी 1000 रुपए? 1000 रुपए महीने का। 30,000? 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल। 15 साल से जिंदा? 30,000 का महीना 15 साल? 54 लाख रुपए की सजा आपने पी ली है। लेकिन रुके, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। भाई साहब सुन रहे आप? एक सेकेंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। मैं भाई बस मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। ये है पीपी ऑन, इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। भाई आज प्रिया ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक डेली कॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल,
फोन से बउआ बोल रहा हूँ, क्या नंबर है आपका? 9 हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, तो बताओ ना। सुनिए, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा। फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे कुछ लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे, लूंगे। तो अगर आप इच्छुक है तो एक दबाए ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल। कॉन्टेस्ट खेलने बजट राउंड, ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या है? कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये बताओ के बजट। अगर भूत, बस है भूत, बस है भूत, हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते ना, ना। तो तैयार कैसे होते हैं? तेरी को पता क्या? ये बता दे, तेरी को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। काट दूँ मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई 11:59 से 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है। तो लगवाना, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सेट पे, ये ले। और एक ले। मारूंगा तेरा बजट। गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पास बजट क्या होगा? ये टच वाला है। सो कीप इन टच, ओके 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 भाई। कौन बोल रहे हैं? H E L L O। कौन बोल रहे हैं? I A M। कौन बोल रहे हैं? V A U L L I Y A H U N। हुआ।
VAUAA अरे आप जो भी बोल रहे हैं आप मेरे को ठीक ठीक बताइए, आपको क्या बात करनी है, स्पेलिंग से क्यों बोल रहे हैं? AGE अरे यस अजय अजय जाइए। अरे मैडम वो स्पेलिंग में बात करते करिए ना, आप बात करिए। अरे यार तू कौन है, किससे बात कराया जा रहा है मेरी? प्रभाष पूछ रहे थे रौनक भाई, अगर किसी लड़की को अप्रोच करें तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकता है? सुनिए क्या क्या बउआ। What a coincidence, I must say this. What a coincidence. ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे वो सभी दर की आत्मा आ गई क्या तेरे तो अच्छे सॉरी, शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया, शाहरुख का मारू? एक सेकंड। ए पप्पी, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं जा रही हूँ। नहीं पप्पी, जा जाओ। पप्पी चली गई। पप्पी गई यार। पप्पी नहीं रखे गई ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? हेलो, अबे अबे ओ ऐसे क्यों, अभी तक तो पैर से समझा रही थी। अबे आवाज नहीं है अपनी, आवाज दस से पता नहीं दो दांत आ गए, तो भी मुझे आवाज निकल जाती है। नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी लेडीज, हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैं ना कुछ क्विज सॉल्व कर दिया था, पेपर में आया था। अच्छा बोल। बोल, तेरे बोल में अपना पर लग रहा है। बात करने जा रहा हूँ नहीं तो। अच्छा सॉरी, सुनी अंकल बड़ी अब है, इसी पे ये मेन मुद्दा है, मैं किसी से बात नहीं। अंकल बड़ी है ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओ एग्जांपल है क्या, फोन से थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? सॉरी। हेलो, तो अकल बड़ी है भैंस? अकल सोच ले, मुझे पता है अकल बड़ी है। अकल बड़ी भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है? देखिए दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। आई थिंक यू आर आल्सो एंजॉयिंग लेडीज। अकल भी बड़ी, फिर भी अकल बड़ी है ना। एक और बात बता, अकल को तू अपने सर पर लेके घूमती है, भैंस को सर पर लेके घूम सकती है? और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है।
फिर भी अकली बड़ी तुम आने की नहीं। एक बात बताओ, एग्जाम में तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अक्कल का। तभी आज तू पीछे रह गई। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस? भैंस का इस्तेमाल देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे, मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा। भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बचा गई बढ़िया भैंस। अच्छा, मैंने ना भैंस भी बन गया। अच्छा, तो उसी में खुश है ना? हाँ, मैं उसी में खुश हूँ। झटकिया मुझे खुश करने के लिए गागा करती है। IFFCO Tokyo General Insurance and Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Calling number one pair on that, on that. Calling number one pair on that, on that. Calling number one pair on that, on that. Calling number one pair. एक बार फिर बजाओ भाई। आज बबुआ ने एक लेडीज को फोन लगाया और फोन लगा के उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि हमारे जो पुराने जमाने के मुहावरे हैं वो एक्चुअली में वैसे है नहीं जैसे हमको लगते हैं। ये सुनिए आगे की बात। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हू इज? हाय, दिस इज बबुआ हियर। यस, हिंदी इंग्लिश, व्हाटएवर इज कन्वीनिएंट फॉर यू। हिंदी? एंड यू लाफिंग लेडीज? बोला सॉरी, मैं बबुआ बोल रहा हूँ ना, लेडीज। मैं जानती हूँ आपको, आपसे दो तीन मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? पाँच मिनट में कट, अभी कट, 5 मिनट। हेलो, हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज, दो मिनट। दो मिनट। अरे, 2 मिनट लगेगा मुहावरे, उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं डर को डर बोलता हूँ। हर काम जल्दी, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का, और हर नाकामयाब के पीछे मुझे नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग। आप You're laughing at it. That means it is truth. जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? एक सेकंड, सीधी उंगली से अगर कीना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगली आजकल कान, नाक में, कान में। अच्छा ना सर, ये सुनील ना रहेगा बस। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो हेलो, 2 मिनट जितनी चादर, जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने से। नहीं, उतने मैचिंग कवर होने चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। कहाँ से दिमाग लिया? मैं बता, आसमान से गिरे खजूर बैठ गए? नहीं, पैर टूट गया क्या, खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छोरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी गंदा। एक आखिरी समझे, चिंपांजी, चिंपांजी देखा अपनी? चिंपांजी उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं, क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बबुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, हाँ कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ, अरे फोन तूने किया, तू रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई साहब। मुझे लग रहा है तो मैं बोलूँगा ना, इसमें फ़ोन करने ना करने क्या बात है। अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा? तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात है, तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर कितनी था तेरे को, नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। एक मिनट सुना। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है, तो वापस लगाता हूँ। हेलो, अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब?
अरे मैं कह रहा हूँ फिर कैसे बता रहा हूँ नंबर है, बता मेरे को यार। फिर वही बात, फिर वही बात का मतलब क्या यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर रॉन्ग नंबर है तो नंबर है कि सही नंबर है आप बोलोगे? मतलब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे को सब नंबर दिखा, मैं रख रहा हूँ भाई साहब, कोई बातचीत मेरे बाप से। ओ शायद कुछ बात सुनने को कह रहे थे, वापस लगाते हैं। हेलो, आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात होगी भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को बता रहा हूँ नंबर है, बता भाई साहब। आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर के चमाट मारूंगा तेरे को। ये आप देखिए, आप ना वो कहते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ, औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब। क्या औकात से बाहर जा रहे? एक सेकेंड मेरी बात, आपको मैंने फोन लगाया, आपने फोन उठाया मेरे को, आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? जानता न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। ना मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर लगा, ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा वो तो मुझे पता, लेकिन सारा बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। अच्छी बात, अच्छा सुनिए सुनिए, आप अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बउआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस कॉलर ट्यून आपका। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और नौ दबा के कॉपी करिए। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, दो मिनट चाहिए था, सॉरी। दो मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, लेकिन दो दिन पहले ना मेरे को एक नंबर आ रही थी। एक नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ गड़ने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। तू एक बात बता। हाँ। वहाँ ऐसी जगह किया क्यों, जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत्र है? क्योंकि करूँगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, दो दिन शोर ना यार, तू मेरी बात सुन, दो दिन से मेरे मम्मी पापा लालक सो रहे थे। वो घर में है ही नहीं। छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मेरे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? एक नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शोशो करके कराते। एग्जैक्टली बात यही है, वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। दो दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा। मैंने सोचा आप अगर दो मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है। कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे अभी तक नहीं हुई नहीं, थोड़े सा और प्लीज, बन रहे प्रेशर बन रहे। थोड़ा सा और प्लीज, आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो, जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा, मैं तो आप तो एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ, मैं आपको कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो, नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे एक मिनट चाहिए था भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं लेता। कुछ कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है।
सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है चक्कर।